जैसे आप अपने वॉलेट में पैसा रखते हैं, अपने वॉलेट में पैसे रखते हैं, वैसे ही आप अपने फ़ोन में ई वॉलेट रखते हैं, जिसमें आप पैसे रख सकते हैं, पॉइंट्स रख सकते हैं। अब ई वॉलेट क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल देश डिजिटल होता जा रहा है, हम सब स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल होते जा रहे हैं। एक पेमेंट है यूपीआई के जरिए, आप बारकोड के जरिए आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है, आप पेमेंट कर देते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पेमेंट पहुँच जाता है। लेकिन ई वॉलेट के जरिए भी अब पेमेंट हो रहा है। आपको बता दें कि देश की एक पहली कंपनी है रिलायंस इंश्योरेंस, जो अब ई वॉलेट के जरिए पेमेंट ले रही है, अपना प्रीमियम का पैसा ले रही है, और धीरे धीरे ये कंपनीज भी बढ़ जाएंगी। आरबीआई ने दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत ई वॉलेट को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन में ई वॉलेट की सुविधा है, यानी आरबीआई ने 4 बैंकों को लिंक किया है, जिसमें SBI, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक है। अब इन 4 बैंक में ई वॉलेट का एक आइकन होगा, जिसमें आप अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो ई वॉलेट का आइकन होगा। अगर सपोज़ 10,000 रुपये आपको ई वॉलेट में चाहिए तो 10,000 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू सेम पैसे की तरह होती है, रुपए की तरह होती है, 1 रुपये मतलब एक ई वॉलेट। तो ऐसे में आप ई वॉलेट के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, सबसे आसान पेमेंट कर सकते हैं, जो सुरक्षित भी कहलाएगा और UPI से भी और आसान बनाएगा।